कुछ कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कमर्शियल सेल्स और बैटरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखो वैसे पीछे जो भी हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें सेल और बैटरी कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला अगर हम लोग इसमें पॉइंट्स लिखते हैं तो सबको ये जानते हो कि गैल्वेनिक सेल जो होगा तो यह गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन रियली में क्या होता है कि जो सेल होता है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। तो इसकी उपयोगिताओं को बढ़ाने के लिए एक से अधिक सेलों का, इट मीन्स दो या दो से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, और दो या दो से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि अब इसकी उपयोगिता अगर बढ़ाना चाहते, उपयोग में लाना चाहते हैं, अधिक इससे किसी काम में इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग कह सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स वैसे कहीं कहीं इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इन सीरीज, लेकिन वो डेफिनेशन ठीक नहीं होगा। हम लोग पूरा मतलब उसका क्षेत्र थोड़ा छोटा हो जाता है, गलत तो नहीं कह सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। हम लोगों को पहले मतलब सीधा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो हम लोग क्या किए कि सेल्स की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक सेल्स को कंबाइन किए और इस सिस्टम को हम लोग क्या करें, बैटरी कर रहे हैं। तब बैटरी अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बैटरी को जो हम लोग देख रहे हैं अभी, बैटरी को दो भाग में बांटा गया है। इसकी उपयोगिता, प्रायोगिक उपयोगिता कह सकते हैं, और इसके आधार पर तो इसमें सबसे पहला तुमको हो गया जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बैटरीज, और दूसरा होता है फिर सेकेंडरी बैटरीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी का मतलब हो गया जिसका रिचार्ज या रीयूज नहीं हो सकता। इट मीन्स एक बार अगर उसका यूज कर लिए तो दोबारा उसको रिचार्ज करके रीयूज नहीं कर सकते। इट मीन्स उसको हम लोग प्राइमरी बैटरीज के अंतर्गत रखेंगे। और सेकेंडरी का मतलब हो गया जिसका रिचार्ज और रीयूज दोनों हो सकता है। मतलब दोनों होने का मतलब हो गया कि हम लोग उसको रिचार्ज करके पुनः यूज ला में हम लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मतलब सीधी बात है कि यह हम लोगों को क्या हो गया, रिचार्जेबल एंड हम लोग कह सकते हैं इसे रिचार्ज या सीधे कह दें रिचार्ज तथा रीयूज कर सकते हैं। ये एक जनरल नॉलेज के समान होता है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज के बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। प्राइमरी बैटरीज के अगर हम लोग बात करें, प्राइमरी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो इसका हम लोगों को एग्जाम्पल है ड्राई सेल और लैक्लैंशियर सेल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जनरल नॉलेज के लिए ड्राई सेल लैक्लॉन्चे सेल के बारे में, लैक्लॉन्चे सेल के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ड्राई सेल और लैक्लॉन्चे सेल क्या है। ठीक है, यह प्राइमरी सेल के अंतर्गत एग्जांपल है। तो
हम लोग ड्राई सेल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ड्राई सेल चलिए इसके बारे में डिटेल से समझिए, एक जनरल नॉलेज भी है और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला ड्राई सेल के यूज से इट मीन्स कोई नहीं बचे होंगे, कभी ना कभी ड्राई सेल का निश्चित रूप से यूज़ किए होंगे। तो सबसे पहला ड्राई सेल का यूज हम क्लॉक्स में हम लोग कह सकते हैं कि जनरली अभी यूज हो रहा है। टॉर्च इत्यादि का तो समझ ही सकते हो, सबका स्थान मोबाइल ले लिया है, इसलिए पहले टॉर्च में भी हम लोग या अभी भी कह सकते हैं कि टॉर्च में भी इसका यूज है। रेडियो का भी स्थान मोबाइल ले लिया, रेडियो में ड्राई सेल का यूज हो रहा था, और लेकिन ये सब हम लोगों को ड्राई सेल का यूज है, निश्चित रूप से कभी नहीं कहते, लेकिन इसके बारे में जनरल नॉलेज सबके पास होना चाहिए। जिसको डिटेल से समझिए यहाँ पर आपको पूरा समझने का मौका है। तो ड्राई सेल सबसे पहले तो ये जान लें कि ड्राई सेल डिस्कवर्ड बाय लेक लॉन्चे के द्वारा इसका खोज किया गया, इसे लेक लॉन्चे सेल ब्रैकेट में लिखे। अब देखो ये ड्राई सेल जो है तुमको ये तुमको लेक लॉन्चे सेल का ही लेक लॉन्चे सेल का कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। लेक लॉन्चे सेल का कॉम्पैक्ट मतलब जो इनिशियल इसका खोज था उसका एक हम लोग कह सकते हैं उन्नत किस्म। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, फिर यह डिस्कवर्ड करने के बाद लेक लॉन्चे सेल का यह कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। इसको यह किस कैटेगरी में आता है तो यह तुमको प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल के अंतर्गत आ जाता है। तो प्राइमरी का मतलब हो गया कि जिसका एक बार अगर यूज कर लिए तो फिर रिचार्ज और रीयूज नहीं हो सकता। प्राइमरी का मतलब हो गया कि नॉट रिचार्ज और नो हम लोग कह सकते हैं रिचार्ज तथा रीयूज नहीं हो सकते या नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर यूज कर लिए तो फिर दोबारा ना रिचार्ज होगा और ना ही इसको दोबारा रिचार्ज नहीं होगा, फिर रीयूज भी नहीं करेंगे। अब रहा कि इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म को डिटेल से समझना कि क्या इसमें कैसी हम लोगों को बात है जो एक प्रकार से ड्राई सेल के सारे फंक्शंस को क्लियर करता है, इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करता है। तो अगर सबसे पहले चित्र पर ध्यान देना होगा, एक बार चित्र पर सबको ध्यान दें कि इसमें सबसे पहले और समझाते हुए हम लिख रहे हैं कि एक कंटेनर या बर्तन होता है, और यह बर्तन जो है जेडन कंटेनर का एक बर्तन होता है। अब जेडन का बर्तन हो गया और इसके बीच में एक कार्बन का रड होता है या ग्रेफाइट रड भी कह सकते हैं हम लोग, ग्रेफाइट का रड होता है। और इसके ऊपर यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर इस ग्रेफाइट के रड पर जो है यह ब्रास कैप होता है। और सबसे पहले यही जान लेना है तुमको, यहाँ पॉइंट्स हम लोग रिलेटेड लिख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म समझने के लिए। देख लीजिए कैसे इसकी संरचना है और कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर विचार करें तो सेल में सामान्य रूप से एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज इससे संबंधित पॉइंट हो सकता है जो कि गैल्वेनिक सेल के एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो ग्रेफाइट का रड है तुमको और ब्रास कैप युक्त हम लोग कह सकते हैं ग्रेफाइट रड जो है यह तुमको कैथोड का काम करेगा। अब देखिए यह ग्रेफाइट हम लोग को रड हो गया, ग्रेफाइट जिस तरह से कलर चाहे कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक छिद्रयुक्त तुमको पोर्शन होता है या छिद्रयुक्त हम लोग कह सकते हैं थैली होती है। इस छिद्रयुक्त थैली में जो है वह कुछ पेस्ट भरा हुआ रहता है चूर्ण का, वो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं चूर्ण का भरा रहता है। ये जो चूर्ण होता है यह MnO2 और कार्बन इसका पेस्ट, और उसके बाद इसके बीच में जो जगह होता है, पहले तो ये जो
तुमको जिंक कंटेनर है, इस जिंक कंटेनर का यहाँ पर जो अंदर वाला पोर्शन है, इस वाल का जो अंदर वाला पोर्शन है, इस अंदर वाले पोर्शन में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर पोरस छिद्र युक्त पेपर, इट मीन्स पोरस पेपर, पोरस पेपर युक्त, पोरस पोरस पेपर पेपर का स्तर होता है, या पोरस पेपर का स्तर हो गया, स्तर लेयर होता है। और ये जो पोरस पेपर युक्त लेयर है, अब देखिए इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अभी ये कंटेनर, अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ से पिच सील, इट मीन्स यहाँ से सील इसको कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ये भाग, ये भाग बंद हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर नामांकित में कह सकते हैं पिच सील हो गया, सील कर दिए, इसको सील कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो इस बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर वेट पेस्ट, इसमें सूखा पेस्ट भरा रहता है, और यह सूखा पेस्ट NH4Cl और ZnCl2 का होता है, या वेट पेस्ट, वेट पेस्ट इसमें सूखा पेस्ट इसमें भरा हुआ रहता है। सीधी बात है, पहला तो हम लोग कैथोड ले लिए। अब अगर एनोड की बात करें तो एनोड इसमें जो ZN कंटेनर होता है तुम्हारा, ZN जिंक का जो बर्तन होता है, वो यहाँ एनोड का काम करता है। और उसके साथ साथ अब जो ZN कंटेनर का, ZN कंटेनर कंटेनर का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग पोरस, पोरस छिद्र युक्त पोरस पेपर पेपर अस्तरित होता है, अस्तरित होता है, अस्तरित होता है। और ये पोरस पेपर से अस्तरित भाग जो है वो तुमको साल्ट ब्रिज का काम करता है, साल्ट ब्रिज का काम करता है, देख रहे साल्ट ब्रिज का काम क्या। तो हम लोग यहाँ एनोड, कैथोड और उसके साथ साथ साल्ट ब्रिज, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें। अब हम लोग ये देखें, यह एनोड कैथोड जब तक सेल रिएक्शन नहीं होगा, एनोड कैथोड रिएक्शन नहीं होगा, तब तक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदल सकता। इट मीन्स कहने का मतलब हम लोग जो है बाहरी सोर्स में इससे विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते। तब यह कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए आगे हम लोग अब ये देखें कि सेल कैसे काम करता है, इट मीन्स इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन इट मीन्स एनोड कैथोड रिएक्शन। तो हम लोग अगर एनोड की बात करें या एनोड रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, तो ZN कंटेनर एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्रिया होती है, तो ZN जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ZN2+ बनाएगा, पहला एनोड रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्रिया। और दूसरा हम लोग फिर कैथोड की बात करें, तो कैथोड में यहाँ पर MnO2 और उसके साथ साथ फिर तुमको जो रिलेटेड टर्म्स है कि हम लोग को NH4+ है, और यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन की क्रिया यहाँ पर होगी, MnOOH और प्लस NH3 का न्यूट्रल फॉर्म, इट मीन्स हो गया NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, देख लीजिए यह। लेकिन यहाँ पर जो NH3 और ये ZN2+ बना है, ये दोनों बाद में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम लोग इस रिएक्शन, मतलब एनोड कैथोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बाद कह सकते हैं NH3 रिएक्ट्स विथ है, रिएक्ट्स विथ को ZN2+ एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए अब कैसे करता है, तो यहाँ पर हम लोग NH3 प्लस लोगों को ZN2+ या ऐसे ही लिख दें, ZN2+ प्लस हो गया तुमको NH3, और जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ZN NH3 होल 4 और 2+ होता है, प्लस चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर
ये हम लोगों को कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा जानने के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि रिलेटेड सेल रिएक्शन में आगे का किस तरह की क्रिया होती है। तो जो Zn2+ और NH3 है दोनों रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का इट मीन्स जटिल यौगिक का निर्माण कर लेता है। ये हम लोगों को रिएक्शन। अब इसके साथ जब रिएक्शन होगा, सेल रिएक्शन होगा, इट मीन्स जब इसको बाहरी हम लोग सर्किट से जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन होगा और सेल रिएक्शन से हम लोगों को सेल इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और धीरे धीरे हम लोगों का जो बैटरी या सेल है वह जो है डिस्चार्ज होगा और फिर हम लोग लास्टली इसको फिर रिचार्ज या रीयूज नहीं कर सकते। इट मीन्स डिस्चार्जिंग होने के बाद इसका फिर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से पुनः यूज मतलब बेकार पदार्थ वेस्ट के रूप में हो जाता है। तो हम लोग को यह हर ड्राई सेल का एक्सप्लेनेशन हो गया रिलेटेड। अब देखो ध्यान दो, अगला हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम लोग सीखेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी इसको सीसा संचायक सेल कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है यह सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत आता है और सेकेंडरी का मतलब हो गया जिसका रिचार्ज और रीयूज हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा उपयोगिता और इसके जनरल नॉलेज को समझना एकदम बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एकेडमिक एग्जाम ही नहीं, यह तुमको इंटरमीडिएट ही ट्वेल्थ ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेई इन सब के लिए नहीं, जितनी भी जनरल एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिशन्स होती है सब के लिए। और वैसे भी अगर नहीं भी तुम कॉम्पिटिशन में बैठते हो तो सब कोई जानते हो कि घरों में प्रायः आजकल सामान उपयोग हो गया कि इन्वर्टर्स में बैटरी यूज होता है और वो बैटरी रिचार्ज और रीयूज होता रहता है। लंबे समय तक हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके गाड़ियों में बैटरी लगता है आज लाइक वो भी हम लोग को रिचार्ज होता है और लंबे समय तक उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसके उसको गाड़ियों में और इन्वर्टर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते जिसको तुम घर में लगातार यूज कर रहे हो, जो तुम्हारे घर में यूज हो रहा है, गाड़ियों में यूज हो रहा है और तुम उस गाड़ी को यूज कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई जनरल नॉलेज नहीं है, इट मीन्स उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो समझ सकते हो कि जिस चीज पर तुम चढ़ रहे हो, जिस चीज का यूज कर रहे हो और उसके बारे में अगर जनरल नॉलेज नहीं हो और उसको सिलेबस में पढ़ भी ले तो ये तो एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं बेवकूफ़ी हो गया कि हम लोग पढ़ तो लिए लेकिन उसका कोई जनरल नॉलेज नहीं यूज कर, जनरल नॉलेज में कुछ भी हमारे पास नहीं आ पाया, कोई भी उसका हम लोग कभी अगर काम पड़ गया तो उस एजुकेशन का कहीं यूज नहीं कर पाए। एक तो सबसे बड़ी हम लोगों की दुविधा है कि हम लोग जो भी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब बोर्ड पर ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों के यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम उसका सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ प्रैक्टिकल का तो नाम नहीं, अगर कहीं लैब वो बना भी हुआ है तो लाइक सिर्फ नाम मात्र के लिए है। स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी देना है और एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है, एग्जाम पास हो गया उसके बाद उस थ्योरी का अगर कहीं फिजिकल लाइफ में यूज भी है तो उसको वह दोबारा फिर न याद करने का प्रयास करेगा ना लाइफ में यूज करने का प्रयास करेगा। तो इट मीन्स चारों ओर खामी ही खामी है। खैर जो भी हो लेकिन जनरल नॉलेज तुमको होनी चाहिए बैटरी सेल के बारे में। और उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट सेल्स जो हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है लेड स्टोरेज इट मीन्स सीसा संचायक सेल। तो हम लोग दूसरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ले रहे हैं फिर लेड स्टोरेज स्टोरेज बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी। ध्यान से इसके पूरे जनरल नॉलेज को समझिए। लेड स्टोरेज बैटरी, तो लेड स्टोरेज बैटरी अगर हिंदी में लिखोगे तो लिख सकते हो सीसा संचायक सेल, संचायक बैटरी या सेल बैटरी ऐसे लिख सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, पहले तो ये जान लीजिए कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है यह सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है, पहले ये जान लीजिए। सेकेंडरी बैटरी मतलब हो गया जिसका रिचार्ज और रीयूज कर सकते हैं, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। अब अगर यह सेकेंडरी बैटरी है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका एक बड़ा उपयोग है यह हम लोग कह सकते हैं इन्वर्टर्स 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 तथा गाड़ियों में, इन्वर्टर्स के रूप में और गाड़ियों में, गाड़ियों में यूज होगा, गाड़ियों में यूज हो गया। तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अगर इसका यूज गाड़ियों में कर रहे हैं और आजकल तो सबको जानते हो कि बिना गाड़ी
का कुछ भी नहीं हो सकता है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो इतना फास्ट है तो उसमें गाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। अब गाड़ी मतलब ये हो गया कि बैलगाड़ी नहीं, गाड़ी मतलब हम लोगों को गाड़ी से मतलब मोटर गाड़ी का मतलब है मुख्य रूप से मीनिंग। तो इन्वर्टर्स था गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब देखो बैटरी के बारे में अगर तुमको जानना है यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ जानना होगा कि जनरल नॉलेज बैटरी के बारे में होनी चाहिए। जनरल नॉलेज क्या है कि बैटरी में इलेक्ट्रोड होगा, एनोड कैथोड होगा। हम लोग को कहीं कहीं देख लिया, हम लोग को जैसे साल्ट ब्रिज हम लोग को गैल्वेनिक सेल का एक पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट आज लाइक हम लोगों को इसका पार्ट है। उसके बाद सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में, अगर सेल ने एनोड कैथोड होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन सेल डायग्राम भी होता है। तो जनरल ये सब जितनी भी बातें ये सब ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर स्टूडेंट जो कि पीछे सारा डिटेल नहीं जानता है तो तीन बात उसको अवश्य याद रखना चाहिए, एनोड कैथोड और उसके साथ साथ इसको जोड़ने वाला या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इस तीन चीज के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो हम लोग अब इस सेल के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो एनोड होता है लेड स्टोरेज का, और इससे पहले एक चीज और जान लीजिए और एक जनरल नॉलेज है। मान लीजिए जैसे तुमको यूज जो करते हो बैटरी वह 12 वोल्ट 18 वोल्ट इस तरह का बैटरी होता है। तो हम लोग का जैसे 12 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी है मान लीजिए लेड स्टोरेज बैटरी है। तो बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो 12 वोल्ट बैटरी का मतलब हो गया कि तुमको 2 वोल्ट का 6 सेल्स जुड़ा हुआ है, 6 सेल्स जुड़ा हुआ है। तब 2 वोल्ट का 6 सेल इट मींस टोटल वोल्ट हो गया 12 वोल्ट, और ये कॉम्बिनेशन हम लोग को क्या कहला है बैटरी। अगर इसी तरह से अगर 18 वोल्ट का बैटरी होगा तो वो भी हम लोगों को 2 वोल्ट गुना 9 इस तरह से हम लोगों को मतलब नंबर ऑफ सेल्स 9 हो गया, और एक का जो हम लोगों को जो वोल्ट में हम लोग को मान होगा वो कितने का 2 वोल्ट का। तो इट मींस हम लोग यहां पर 12 वोल्ट 18 वोल्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर 12 वोल्ट बैटरी है तो 6 सेल्स होगा और प्रत्येक का मान 2-2 वोल्ट होगा, तो यह हम लोगों को कुल मिलाकर 12 वोल्ट का बैटरी हो गया। अब चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला एनोड, एनोड जान लीजिए कि इस बैटरी में पी बी इट मीन्स लेड का बना होता है। अब कैथोड इसमें किस चीज का होता है, तो कैथोड होता है पीबीओ टू भरे हुए तुमको पीबी एंड ग्रिड इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि ये चीज भरा हुआ होता है पीबी ग्रिड में, ठीक है, ये तुमको कैथोड का काम करेगा और यह एनोड का। अब इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कह सकते हैं ऐसा केमिकल जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो करते हैं तो वह आयनों में टूट जाता है, आयन में ब्रेक करता है। इट मीन्स उसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर मोल्टन स्टेट में रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती है और वह आयनों में ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वह 38% H2SO4 का यूज किया जाता है, लेकिन परसेंटेज व्यक्त करने का तरीका कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड में V/V, W/W, V/W इस तरह का मेथड होता है। तो ये तुमको बाय मास हो गया, बाय मास, ठीक है। ये भी एक जनरल वाले के बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है वो कौन सा H2SO4, इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेसिंग या 38% और बाय मास हो गया। ये तुमको सबसे पहले एनोड कैथोड और इसको इलेक्ट्रोलाइट इसके बारे में। अब जब कैथोड एनोड के बारे में हम लोग जाने तो इसके सेल डायग्राम के बारे में जानिए कि सेल डायग्राम इसको कैसे दिखाया जाता है। तो सेल डायग्राम, तो सेल डायग्राम के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए सेल डायग्राम हम लोग ऊपर है उसके बारे में के इसे परफेक्टली सेल डायग्राम का जो नियम है वो तो है ही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो फिर हम लोग मतलब सेल को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं
एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेस अगर करना हो तो यहाँ पर Pb2PbSO4 सबको ये जानते हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड जो है वह एनोड को और राइट साइड हम लोग कैथोड को रखते हैं समान रूप से सेल डायग्राम में, और उसके साथ साथ बीच में साल्ट ब्रिज होता है, और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचे हैं, यह वर्टिकल लाइन फेज बाउंड्री को दिखलाता है, फेज बाउंड्री को दिखलाता है मतलब दोनों अलग अलग फेज में उपस्थित है, और बीच में हम लोगों को होता है H2SO4 इस तरह से, और उसके बाद जो राइट साइड होता है PbO2 2 PbO2 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 Pb
वह पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्रेस होता है, और जो H2SO4 है यह 38% बाय मास होता है। ये तुमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ये इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसके लिए हो गया। हम लोग अब आगे बढ़े तो देखो सेल में क्या होता है। अभी तो हम लोग ये बात कर लिए कि यह रिचार्ज और रीयूज हो सकता है। तो रिचार्ज और रीयूज अगर होगा तो इसका मतलब हो गया कि पहले डिस्चार्ज होगा और तब रिचार्ज होगा। तो दो प्रकार का यहां पर रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज क्या होती ही है, एक हो गया डिस्चार्जिंग रिएक्शन और दूसरा रिचार्जिंग रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां दो प्रकार के रिएक्शंस होती है। अब देखो रिएक्शंस और मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। तो पहला हो गया इसमें तुमको डिस्चार्ज रिएक्शन, और उसके बाद दूसरा हो गया तुमको रिचार्ज रिएक्शन। अब समझिए अच्छी तरह से चार्ज डिस्चार्ज और रिचार्ज को। तो सबसे पहला हम लोग को है यहाँ पर डिस्चार्ज रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में, और लाइक यह हम लोग को सेल रिएक्शन इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि डिस्चार्ज अगर होगा तो एनोड कैथोड रिएक्शन होगा ही, और उसके कंप्लीट हम लोग दोनों को सम कर देंगे तो सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें एनोड रिएक्शन का, एनोड पर होने वाली क्रिया को। तो यहाँ एनोड पर होने वाली क्रिया, एनोड सबको दिखाई दे ही रहा है, PB और प्लस हो गया तुमको SO4 2-, और 2- है तो यह हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्रिया, और यह बन जाता है PbSO4, या इस -2 इलेक्ट्रॉन को उधर ले जाकर +2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद कैथोड की हम लोग बात करें तो कैथोड में अब देख रहे हो PbO2 है, तो PbO2 प्लस SO4 2- या -- कर सकते हैं, और +4H+, ये, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मीन्स कैथोड पर, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर यह गेन करता है यहाँ बनाता है PbSO4 +2H2O, और H2O इट मीन्स यह हो गया किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब देख लीजिए ये तुमको कैथोड रिएक्शन है और ये एनोड रिएक्शन है। एक चीज यहाँ पर सावधानी है कि जो कैथोड का पीबी है वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, जो कि हम लोग को एनोड कैथोड रिएक्शन से क्लियर हो रहा है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि कैथोड का पीबी रिएक्शन में भाग या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाला तुमको पॉइंट हो गया। देखिए आगे जैसे हम लोग देख रहे हैं, अब एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शंस को, दोनों को अगर जोड़ देते हैं नेट सेल रिएक्शन होगा। तो नेट सेल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेट सेल रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो देख लो दोनों को जोड़ेंगे तो सेम चिन्ह के साथ, अपोजिट चिन्ह के साथ सेम साइड है, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PbS, मतलब इसके फेज को भी ब्रैकेट में दिखा सकते हो, ये PB और प्लस हो गया SO4- और SO4- इट मीन्स 2SO4- हो गया -, या एक्वस फॉर्म में होगा, और उसके बाद फिर तुमको यहाँ पर हो गया PbO2 प्लस हो गया यहाँ पर 4H+, ये, और इस साइड वाला जो टर्म है
इसमें हम लोग PbSO4 प्लस है, दो PbSO4 है, ये PbSO4 और PbSO4, तो 2 PbSO4 हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं रिलेटेड जो टर्म्स है हम लोग को 2H2O या लिक्विड फॉर्म में है, इसे लिख सकते हैं। देखो यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो देखिए इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए कि SO4 और H+ दोनों पर ध्यान दीजिए। इस साइड रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि जो H2SO4 है वो कहीं ना कहीं जब डिस्चार्ज हो रहा है तुम्हारा सेल, तो H2SO4 धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। H2SO4 देख रहे हो, ये दोनों मिल रहा है। H2SO4 का आयन कौन होगा? SO4 प्लस H+ होगा ना, ये दोनों खत्म हो रहा है सेल रिएक्शन। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि अब डिस्चार्जिंग में क्या होगा, H2SO4 धीरे धीरे खत्म होगा, मतलब इसका घनत्व घटता जाएगा। इसीलिए देखते हैं कि बैटरी में कहते पानी घट गया है, उसमें पानी दो, तो इट मींस कहने का मतलब हो गया कि यह H2SO4 सेल रिएक्शन शो कर रहा है कि डिस्चार्जिंग के साथ आपका H2SO4 कम होगा, इट मींस इसका घनत्व घटते जाएगा। तो घनत्व घटते जाएगा तो देख लीजिए अब हम लोग कह सकते हैं तो रिएक्शन से क्लियर है, रिएक्शन से या नेट सेल रिएक्शन से कि डिस्चार्जिंग में H2SO4 का जो डेंसिटी या घनत्व डेंसिटी धीरे धीरे कम होता है। अब देखो कम होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रोलाइट का H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है और इसका बड़ा अहम योग है, तुमको रोल है यहाँ पर। तो H2SO4 के बारे में जनरल नॉलेज रखना भी तुमको बहुत जरूरी है। तो H2SO4 के बारे में सब पॉइंट हम यहाँ पर एक साथ ले आते हैं। देखो 38% H2SO4 बाय मास, हम लोग कह सकते हैं बाय मास, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तुम यूज कर रहे हो, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे यह डिस्चार्जिंग होगा H2SO4 का घनत्व घटेगा, तो H2SO4 का स्पेसिफिक ग्रेविटी इट मीन्स यह होता है 1.15। देखो ये एक जनरल नॉलेज है और इसमें कोई यूनिट हम नहीं लगाए हैं क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो, एक अनुपात है, इसलिए बिना यूनिट का है। कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके साथ साथ फिर H2SO4 कह रहा है कि धीरे धीरे इसका घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगा, तो वो कौन सा घनत्व होगा जिस पर सेल को कंप्लीटली हम लोग डिस्चार्ज मान लेंगे। तो जब यहां पर देख सकते हो कि जब तुमको H2SO4 का घनत्व है, H2SO4 का डेंसिटी जो है वह 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर हो जाता है तो सेल हम लोग कह सकते हैं या बैटरी रिचार्ज की आवश्यकता होती है। देख रहे हो, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि किस स्थिति में तुम्हारा बैटरी अब रिचार्ज करने, मतलब डिस्चार्ज हो गया उसको रिचार्ज करने की, जब तुमको H2SO4 मतलब बैटरी के पानी का डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, तो अब तुमको रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए बात यहां पर कि अब अगर रिचार्ज करने की बात आई तो हम लोग यहां पर अब इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि रिचार्ज जब भी होगा बैटरी तो उसको अब सोर्स से जोड़ना पड़ेगा, और सोर्स से अगर जोड़ना पड़ेगा तो तुम्हारा बैटरी अगर 12 वोल्ट का बैटरी को रिचार्ज करोगे तो इसका मतलब 11 वोल्ट के बैटरी से उसको सोर्स के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट के बैटरी को रिचार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से अधिक हम लोग को वोल्ट का बैटरी चाहिए। तो इसका मतलब सीधे है अब क्या होगा, अब फॉर रिचार्ज हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टेड विथ
या हम लोग कह सकते हैं कनेक्टेड विथ है ग्रेटर देन 12 वोल्ट बैटरी, इसको हम लोग 12 वोल्ट के बड़े बैटरी से हम लोग इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, रिचार्ज होगा। अब कैसे रिचार्ज होगा, रिचार्ज का क्या रिएक्शन है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए एक चीज यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जैसे अगर बैटरी अब रिचार्ज करना हो तो बैटरी कनेक्टेड विथ ग्रेटर देन 12 वोल्ट बैटरी की जगह यहाँ डीसी सोर्स दे दोगे तो ज़्यादा अब्रॉड मीनिंग हो जाएगा। डीसी सोर्स, डीसी स्रोत से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इससे कोई बात नहीं है, यूज कर सकते हैं वो शब्द भी। अब चलिए, अब पहले रिचार्ज कर ले बैटरी को, रिचार्ज करना जरूरी है तो हम लोग डिस्चार्ज होते हैं। अब जो पढ़ने वाला सब वो सब डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी इधर अब रिचार्ज करेंगे हम लोग। तो रिचार्जिंग रिचार्ज रिएक्शन हम लोग अगर कहे रिचार्ज रिएक्शन, तो देखो अब इतना तो समझ ही रहे हो कि उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग, पहले डिस्चार्ज हुआ अब रिचार्ज कर रहे हैं। तो रिचार्ज करने में हम लोगों को क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अभी केमिकल एनर्जी में हम लोगों को कंसंट्रेट होगा, इट मीन्स जमा होगा या कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कैथोड रिएक्शन, कैथोड पर किस तरह का रिएक्शन होता है। तो अब PbSO4 इसमें तुमको कन्वर्ट होगा, अब इसमें कैथोड तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें गेन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ये बदलता है PbSO प्लस हो गया तुमको SO4 माइनस माइनस एक्वस। अब देखो वहाँ पर ये रिएक्शन तुमको वहाँ एनोड पर हो रहा था, इसका उल्टा मतलब PV प्लस SO4 माइनस माइनस गिव्स PV, यहाँ पर उल्टा भी हो गया और एनोड पर नहीं, यह कैथोड पर हो रहा। अब कैथोड के बाद फिर हम लोग बात करें एनोड की, तो एनोड में फिर हम लोग को 2PbSO4 प्लस 2H2O। अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों को लॉस करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हम लोग दिखा सकते हैं, और यह तुमको PbO2 यह गैसियस स्टेट में होता है, और PB और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फिर जो है वह H2O जो PB हम लोगों को बना PbSO4 प्लस 2H2O, वहाँ पर रिएक्शन क्या था कि PbO2 प्लस PB प्लस SO4 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस, यहाँ पर हम लोग उसका अपोजिट रिएक्शन लिखे ये। अब इसमें इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को नेट सेल रिएक्शन प्राप्त होगा। तो नेट सेल रिएक्शन की हम लोग बात करें यहाँ पर, नेट सेल रिएक्शन इट मीन्स रिचार्जिंग मीनिंग में, तो हम लोग सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल कर सकते हैं। अब PB और PbSO4 इट मीन्स हो गया 3PbSO4 उसके बाद प्लस 2H2O और गिव्स उधर हो गया तुमको PbS और एक PB इधर भी है तो 2PB प्लस उसके बाद हो गया तुमको PbO2 और उसके साथ साथ फिर हम लोग 2SO4 माइनस माइनस एक्वस ऐसे दे सकते हैं। ये हम लोगों को कंप्लीट रिचार्जिंग रिएक्शन। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है 4H प्लस होगा यहाँ ना, 4H प्लस और PB यहाँ तो एक ही है और PbO2 यहाँ हो जाएगा 4H प्लस एक्वस, ये ध्यान रखोगे थोड़ा सा वहाँ पर ठीक कर लीजिए ध्यान रखो। अब सारी बातों को जानने के बाद एक बार इसके थोड़ा सा चित्र के बारे में भी देख लो तो हम लोग यहाँ पर पहले ये जान लें कि एक कंटेनर यहाँ होगा, बर्तन होगा,
लाइन को और परफेक्ट खींच लोगे तुम। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तुमको भरा हुआ होगा H2SO4। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पूरा डिटेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है वह H2SO4। यह हो गया 38% है H2SO4। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड और एनोड, तो क्लियर कर चुके हैं PbO2 का बना होगा कैथोड और PV का बना होगा एनोड। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज कर लेते हैं पहले ये, और यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया PbO2। और उसके बाद यहाँ अब जो कोड होगा या तो कैथोड हो गया, और कैथोड किस साइन के साथ पॉजिटिव, और उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको अब होगा PV। और यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है तो तीन प्लेट इसमें भी दे देते हैं हम लोग PV और इलेक्ट्रोड हो गया। ये तुमको कैसा निगेटिव देख रहे हो, यह 38% है H2SO4 और ये हो गया बाय मास। तब सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आनी जानी चाहिए। कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट इट मीन्स दोनों कोड है, दोनों को अब तार जोड़ दो और उसके बाद बल्ब जलाओ जा करके घर पर।